अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किरत अल कुरान। व्यूअर्स, आज जिस सूरत की मैं आपके लिए किरत लेके आई हूँ वो सूरत हामीम सजदा है। व्यूअर्स, सूरत हामीम सजदा कुरान पाक की 41 सूरत है। इसकी 54 आयात हैं, 6 रुकवात हैं और ये मक्की सूरत है। व्यूअर्स, सूरत हामीम सजदा कुरान पाक की 24वें पारे की आखिरी सूरत है, जो कि 25 पारे में आगे कंटिन्यू होती है। सूरह हामीम सजदा का दूसरा नाम फुसिलत है, जिसके मायने वाज़े हैं। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में किरत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, सूरह हामीम सजदा की फजीलत है, जिस शख्स पर बादशाह या हाकिम वक्त का कहर अलूदा गुस्सा नासिल हो, इसे इस सूरत को 100 दफ़ा पढ़ना चाहिए। खुदा ताला इनके दिलों में रहम और मेहरबानी डालेगा और वो इसका कसूर माफ़ कर देंगे और किसी किस्म की तकलीफ ना देंगे। अगर कोई बीमार हो तो ये नक्श लिख कर मरीज़ के गले में डालें तो मरीज़ इंशाल्लाह फौरन सेहतयाब हो जाएगा। तो आइए व्यूअर्स, मिलकर पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह हामीम सजदा के रुकू नंबर 1 की किरत समाप्त फरमाते हैं, जिसमें 1 आयत से लेके 8 आयत है। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाप्त फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي للقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا وعارض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشرقين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब खुदाए रहमत और रहीम की तरफ से उतारी है। ऐसी किताब जिसकी आयतें वाज़े उल मानी हैं, यानी कुरान अरबी, उन लोगों के लिए जो समझ सकते हैं, जो बिशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है, लेकिन इनमें से अक्सरों ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं और कहने लगे कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो इससे हमारे दिल पर्दों में हैं और हमारे कानों में बोझ यानी पहरापन है और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दो कि मैं भी आदमी हूँ जैसे तुम, हाँ मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा महबूद खुदाए वाहिद है, तो सीधे उसी की तरह मुतवज्जे रहो और उसी से मगफरत मांगो। और मुशरिकों पर अफसोस है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी कायल नहीं।
जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे उनके लिए ऐसा सवाब है जो खत्म ही ना हो। सदक अल्लाहुल अज़ीम।